सिद्धार्थनगर जिले की पुलिस टीम ने चेकिंग के दौरान एक ऐसे वाहन को बरामद करने में सफलता पाई है। इस बोलेरो में स्कूटर के नंबर की प्लेट लगाकर खंड शिक्षा अधिकारी डुमरियागंज कुंवर विक्रम पांडेय बड़ी शान से चलते थे। गाड़ी में बड़े बड़े अक्षरों में BOB लिखवा रखा था। साथ ही गाड़ी का चेसिस नंबर व इंजन नंबर भी टेम्पर्ड पाया गया है। गाड़ी में UP51F5847 की नंबर प्लेट लगी पाई गई, जो कि स्कूटर के नंबर की प्लेट बताई जा रही है। इस मामले को लेकर SP यशवीर सिंह ने बताया कि सूचना के आधार पर इस वाहन को पकड़ा गया। यह वाहन खंड शिक्षा अधिकारी का बताया गया है। जब उनसे इस गाड़ी के कागजात मांगे गए तो वह नहीं दिखा पाए। गाड़ी का इंजन नंबर व चेसिस नंबर भी टेम्पर्ड है, जिसके बारे में RTO विभाग से जानकारी मांगी गई है, जांच की जा रही है। साथ ही धारा 420 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कर आगे की विधिक कार्यवाही की जा रही है। खबर जगत के लिए सिद्धार्थनगर से हमारे संवाददाता बजरंगी प्रसाद चौधरी की रिपोर्ट। में एक गाड़ी पकड़ी गई है, पूरा मामला क्या हद तक उस पर क्या कार्रवाई हो रही है? देखिए, एक फोर व्हीलर गाड़ी बोलेरो की पुलिस को सूचना मिली थी कि एक बोलेरो मोटरसाइकिल का नंबर प्लेट लगा के चलाई जा रही है, और वो गाड़ी एक खंड शिक्षा अधिकारी से संबंधित जनपद की बताई जा रही थी। उस गाड़ी को जब पुलिस ने जांच में अपने पास अपने कब्जे में लिया और उसका नंबर प्लेट चेक किया तो वो नंबर प्लेट उसमें फर्जी मिला। इंजन नंबर चेसिस नंबर के लिए जब डिटेल ARTO दफ्तर से मांगी गई तो वो भी ARTO दफ्तर से कोई सूचना उसकी नहीं मिल पाई, तो गाड़ी संदिग्ध है। उसके गाड़ी के कागजात अभिलेखों की मांग की गई तो खंड शिक्षा अधिकारी उन अभिलेखों को भी नहीं दिखा पाए हैं। इसमें अभियोग 420-406 के अंतर्गत मुकदमा इसमें दर्ज कर लिया गया है, और इसमें अभी ARTO से लिखित में रिपोर्ट लेने के बाद अन्य धाराएं जो हैं, अगर इंजन नंबर चेसिस नंबर में किसी तरीके की टेम्परिंग हुई है तो अन्य धाराएं भी बढ़ाई जाएंगी, और इंजन नंबर चेसिस नंबर सही पता करने के लिए लैब में भी उसको भेजा जाएगा।